गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं पूजा वर्मा आज अपनी ज़िंदगी की बीती एक दास्तां आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मेरी शादी को हुए करीब 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक सरकारी फर्म में काम करते हैं। शादी मेरी यूँ तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हुआ कुछ यूं कि मेरी एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी। शादी से पहले ही मुझे ये बात पता थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ साथ मेरे भसूर और उनकी वाइफ मतलब भाभी मेरी सास ससुर रहते थे। मेरे भसूर जी यहीं एक प्राइवेट कंपनी में काम करते। अक्सर उनका काम घर से ही हो जाया करता था और अगर बात मेरी भाभी जी की करें तो वो एक हाउसवाइफ थी। मेरी सास अक्सर अपने बेटी के घर यानी मेरी ननद के घर जाती आती रहती। मेरे ससुर जी की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ कई सारे जगह घूमने भी गई थी। मेरे पति बहुत ही शौकीन इंसान थे, उन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता और इसी वजह से मुझे मेरे पति बहुत अच्छे लगते। वो काफ़ी शौकीन थे तो मुझे हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते। यही सिलसिला काफ़ी महीने तक चलता रहता। खैर इसके विपरीत मुझे जितना लगता कि मेरी जो भाभी थी यानी मेरी भसूर की जो वाइफ थी वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें दुखी ही देखती। कई दफ़ा मैंने पूछने की कोशिश भी की। पहले पहले तो वो हमेशा यही बोलती कि कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक दिन जब मैंने उन्हें जिद करके पूछा आपके रो क्यों रही, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं उनके कमरे पे गई तो रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उन्हें जाकर पूछी कि क्या हुआ तो वो कुछ नहीं बोली, बोली कुछ नहीं, लेकिन फिर दोबारा पूछने पर उनके आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तब मैंने उन्हें पूछा कि बताएंगी, अगर आप बताओगी तो मैं आपके ज़रूर कुछ मदद कर सकती। इस पर जो वो बोली वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भसूर जी कई बार उन पे हाथ उठाते, वो ये सब बात कुछ नहीं बोल पाती। मैंने उन्हें कई बार ये भी कहा तो आप ये सारी बातें सासू माँ को क्यों नहीं बता देती, तो उनका कहना था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा आप अपने मायके में बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि उनके मायके वालों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था और मेरी सास को भी ये बात पता थी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वे लोग बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इसीलिए मेरी सास ने मेरी भाभी को शादी कर ले आई थी, क्योंकि मेरे शादी के बाद पहले से ही मेरी भसूर की आदत बिल्कुल सही नहीं थी। वो दारू पीते थे, हर तरह की नशा करते थे और शादी के बाद भी उनका बर्ताव कुछ ऐसा ही था। इसी वजह से वे लोग इनका शादी करके तो लाए थे, लेकिन भसूर जी भाभी पे हाथ उठाते थे तब भी कोई कुछ नहीं कहता। एक दो दफ़ा मैंने मुझे बहुत बुरा लगने पर ये सारी बातें मैंने अपने पति को कहा, तो मेरे पति ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ जब माँ जी ही कुछ नहीं बोलेंगी। फिर मुझे काफ़ी बुरा लगा तो मैंने सोचा कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक नारी ही दूसरी नारी का दर्द समझती है। यही सोचकर अब मैं भी हाउसवाइफ थी और भाभी भी हाउसवाइफ थी। मेरे पति तो हमेशा काम पे जाते थे सुबह 9 से 6 बजे तक, लेकिन भसूर जी कभी दोपहर में ही घर आ जाते तो कभी घर ही पे रहते। हमेशा जपती देखती दारू पी के रहते, मैं उनसे ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करती थी। मेरे पति ने भी शादी के बाद उनसे कम ही बात करने को कही थी।
शायद इसी वजह से मैं पहले से ही उनसे थोड़ा कम ही बात करती। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और इन काफ़ी दिनों में एक दिन मैंने फिर देखा कि उस दिन भी भाभी काफ़ी रो रही थी। मुझे उन्हें देख बड़ा दुख हुआ और मैंने उस दिन जाकर अपने भसुर को दो तीन बात खड़ी खोटी सुना दी कि आप होते कौन हैं उन पे हाथ चलाने वाले, आपको समझ में नहीं आती आप उन पे हाथ चलाते। ये सब बात पर भाभी मुझे मना करने लगी तो मेरे सामने भसुर जी ने पहले तो भाभी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर मेरे साथ, मैं बहुत मना की लेकिन नहीं सुने, और फिर उसके बाद उस कमरे से चले गए। उसके बाद मैंने भाभी को उस दरवाजे से बंद थी भाभी को निकाला तो मैं बहुत रो रही थी मेरे साथ जो हुआ वो सब। भाभी मुझे चुप कराई और कही कि मैं क्या कर सकती हूँ बताओ पूजा, मैंने तुम्हें इसीलिए तो मना किया था और शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगा कुछ तो करना होगा, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा ये सारी बातें अपने पति को बताऊं, लेकिन मेरे भसुर जी कह के गए थे कि अगर तुम ये सारी बातें तुम्हारे पति को बताओगी तो देखो यहाँ पर ये वीडियो रहा, ये वीडियो मैं सारे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा, फिर देख लेना क्या होगा। तो मैं ये सब बातें अपने पति को भी नहीं बता पाई। काफ़ी दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई क्योंकि भसुर जी दूसरी बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही की। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो एक दिन मैं बहुत रो रही थी तो भाभी आके मुझे समझाई कि देखो जो हुआ हुआ, लेकिन इस पे मैं तुम्हें बस एक बात बताऊंगी कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जाकर अपने पति को कहो कि कोई और चले जाए और वहाँ पर जाकर ही रहो, तुम्हारे पति को तबादला कर देने बोलो। फिर मैंने भी अपने पति को लगा मुझे यही करना चाहिए तो मैंने अपने पति को कई बार बोला कि ट्रांसफ़र कर लीजिए। सरकारी दफ्तर में होने की वजह से वो इतना जल्दी ट्रांसफ़र तो नहीं करवा पा रहे थे। कई बार पूछे भी कि क्या हुआ बताओगी बताओगी, लेकिन मैं ही उन्हें बता नहीं रही थी। फिर अंततः उन्होंने मुझे जब ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे पति चुप हो गए क्योंकि मैंने उन्हें सारी बातें तो बता ही दी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है चलो तुम्हारे खुशी के लिए मैं ये शहर छोड़ देता हूँ। फिर मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर आ गई। यहाँ पे मैं खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो सब के लिए मुझे काफ़ी बुरा लगता था। और बुरा इस बात का भी लगता था कि मैं उस भाभी के लिए, मेरी भाभी के लिए कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ गई हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे एक साल हो गए हैं नए शहर में और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। एक वही इंसान है जो मुझे सबसे अच्छे से समझते हैं, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन बाय, टेक केयर, बाय।